निर्भया के दोषियों की फांसी एक बार फिर टल गई है। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि कुछ दोषियों के पास कानूनी विकल्प बचे हुए हैं। इसी आधार पर कोर्ट ने डेथ वारंट पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। लगातार दूसरी बार दोषियों की फांसी टलने से निर्भया की मां रो पड़ी। मुझे भी उम्मीद था कि चलो एक की पेंडिंग है लेकिन तीन बाकी हैं या एक का हो गया है तो कम से कम फांसी पे स्टे तो नहीं लगेगा, लेकिन मुजरिम जो चाहता था वही हुआ। निर्भया के पिता ने आरोप लगाया कि दिल्ली की केजरीवाल सरकार फांसी टालना चाहती है, लेकिन हम अंत तक अपनी लड़ाई लड़ेंगे। जेल अथॉरिटी, कोर्ट, लोअर कोर्ट सब केजरीवाल के अधीन है, तो आज हमें जो कुछ लग रहा है यही लग रहा है कि केजरीवाल ने गेम खेला है दिल्ली निर्भया के साथ और दिल्ली की महिलाओं के साथ। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जवाब देते हुए कहा कि कानूनी दावपेच से दोषियों की फांसी टल रही है। उन्होंने ट्वीट में लिखा, मुझे दुख है कि निर्भया के अपराधी कानून के दावपेच ढूंढकर फांसी को टाल रहे हैं। उनको फांसी तुरंत होनी चाहिए। हमें हमारे कानून में संशोधन करने की सख्त जरूरत है ताकि रेप के मामलों में फांसी 6 महीने के अंदर हो। निर्भया के दोषी मुकेश के फांसी से बचने के तमाम विकल्प खारिज हो चुके हैं, जबकि अक्षय, पवन और विनय के पास दया याचिका और सुप्रीम कोर्ट में फिर से अपील का विकल्प बचा हुआ है। कोरोना वायरस की महामारी के बीच चीन में रहने वाले भारतीयों को लेने के लिए एयर इंडिया का विमान वुहान पहुंच चुका है। इस विमान में 5 डॉक्टर्स के साथ पैरा मेडिकल स्टाफ भी मौजूद है। ये विमान रात 2 बजे तक वहां रहने वाले करीब 400 भारतीयों को लेकर वापस लौटेगा। चीन से आने वाले भारतीयों के लिए दिल्ली के छावला और हरियाणा के मानेसर में जांच केंद्र बनाए गए हैं। दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में कोरोना वायरस के 6 संदिग्ध मरीजों को निगरानी में रखा गया है। कोरोना वायरस को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी का ऐलान किया है। इस वायरस से चीन में अब तक 213 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 9692 लोग इससे पीड़ित हैं। चीन के वुहान शहर में कोरोना वायरस के मरीज सबसे ज्यादा हैं। नागरिकता कानून को लेकर मोदी सरकार पीछे नहीं हटेगी। दिल्ली में एनडीए की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ऐसी कोई वजह नहीं है कि नागरिकता कानून पर सरकार बचाव की मुद्रा में आए। पीएम मोदी ने कहा कि एनडीए सांसद संसद में नागरिकता कानून का मजबूती से समर्थन करें। प्रधानमंत्री ने नागरिकता कानून पर बचाव की जगह आक्रामक होने की जरूरत बताई। पीएम मोदी ने आरोप लगाया कि नागरिकता कानून को लेकर कुछ नेता भड़काने का काम कर रहे हैं, लेकिन सांसदों को आगे बढ़कर कानून के बारे में बताना चाहिए। आज राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ बजट सत्र की शुरुआत हुई। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नागरिकता कानून का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार ने बापू का सपना पूरा किया है। उन्होंने ये भी कहा कि विरोध के नाम पर किसी भी तरह की हिंसा समाज और देश को कमजोर करती है। मेरी सरकार का स्पष्ट मत है कि पारस्परिक चर्चा परिचर्चा तथा वाद विवाद लोकतंत्र को और सशक्त बनाते हैं, वहीं विरोध के नाम पर किसी भी तरह की हिंसा समाज और देश को कमजोर करती है। अभिभाषण में नागरिकता कानून के जिक्र पर संसद में करीब 1 मिनट तक तालियां बजती रहीं। राष्ट्रपति कोविंद ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने को सरकार का ऐतिहासिक कदम बताया। राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई के लिए सेना को पूरी छूट दी है। मेरी सरकार ने आतंकवाद फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई के लिए सुरक्षा बलों को पूरी छूट दी हुई है। देश में नक्सलवाद से प्रभावित क्षेत्रों का दायरा भी निरंतर सिमट रहा है। अभिभाषण के दौरान विपक्ष ने थोड़ी देर हंगामा भी किया। नागरिकता विरोधी प्रदर्शनों के बीच देश की राजधानी दिल्ली के सुखदेव विहार में जी न्यूज की टीम पर हमले की निंदा हो रही है। बीजेपी ने कहा कि यह हरकत पूरी तरह से असंवैधानिक है। चौथे खंबे को हिलाना या उसके धमकाना चमकाना ये पूरी तरह से असंवैधानिक है, लोकतंत्र पर हमला है। कांग्रेस ने कहा कि लोकतंत्र में ऐसी घटनाओं के लिए जगह नहीं है। हमला हुआ उसकी भी हम निंदा करते हैं, हिंसा किसी भी तरह की सबकी निंदा करते हैं। हम जिससे बात करना चाहें करेंगे, निकल नहीं करेंगे, ये भी डेमोक्रेसी है। समाजवादी पार्टी, शिवसेना, एनसीपी और टीएमसी ने भी जी मीडिया पर हमले की निंदा की है। कल प्रदर्शनकारियों ने जी न्यूज संवाददाता जितेंद्र शर्मा और नीरज गौड़ के साथ उस वक्त बदसलूकी की जब वो प्रदर्शनकारियों से बातचीत की कोशिश कर रहे थे। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने जी न्यूज का कैमरा तोड़ दिया।
जामिया छात्रों के मार्च में फायरिंग करने वाले नाबालिग आरोपी को 14 दिन के लिए बाल सुधार गृह भेज दिया गया है। दिल्ली पुलिस ने आरोपी की उम्र की जांच के लिए बोन टेस्ट कराने का फैसला लिया है। क्राइम ब्रांच ने आरोपी के टेस्ट के लिए राम मनोहर लोहिया अस्पताल में आवेदन किया है ताकि ये पता चल सके कि वो वास्तव में नाबालिग है या नहीं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जामिया गोलीकांड को लेकर सवाल खड़े किए। राहुल गांधी ने पूछा कि इस पिस्टलधारी को पैसे किसने दिए थे। जामिया स्टूडेंट वॉन्ट बी स्पेयर्ड सर, द पर्सन हु अटैक्ड पेड बाय हिम, पेड बाय हिम। बीजेपी ने इस मामले में विपक्ष को राजनीति न करने की नसीहत दी है। चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो या कोई पार्टी हो, या उन्हें जो है वो पीस की कोशिश करनी चाहिए, प्रवोक करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली पीस का के प्रति उनका जो है वो ध्यान नहीं है, लोगों को प्रवोक करने का पर जो है वो ज्यादा उनका फोकस है। जामिया मिलिया की वाइस चांसलर नजमा अख्तर ने फायरिंग में घायल छात्र शादाब से एम्स में मुलाकात की। वाइस चांसलर ने फायरिंग की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। जामिया गोलीकांड को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने विवादित बयान दिया है। गिरिराज सिंह ने कहा है कि तुष्टीकरण का जवाब प्रतिशोध से मिलेगा। उन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति को लोकतंत्र के लिए खतरा बताया। गिरिराज सिंह ने कहा कि तुष्टीकरण की वजह से देश 1947 की द्विराष्ट्र वाली थ्योरी की तरफ बढ़ रहा है। हिंसा का जगह नहीं है, लेकिन घृणा जब आप तुष्टीकरण करेंगे हमारे मन में प्रतिशोध होगा। हालांकि गिरिराज सिंह ने जामिया में हुए गोलीकांड की निंदा की और कहा कि हिंसा को स्वीकार नहीं किया जाएगा। कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का दूसरा बजट पेश करेंगी। बजट में मध्यम वर्ग को छूट मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। खाद्य वस्तुओं पर सब्सिडी कम की जा सकती है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ड्यूटी में छूट दे सकती है। बजट में किसानों की आमदनी दोगुना करने और 2022 तक सबको घर देने के रोड मैप का भी ऐलान हो सकता है। बजट पेश होने से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया। सर्वेक्षण में सरकार ने 5 साल में 4 करोड़ लोगों को रोजगार देने का फॉर्मूला दिया है। सरकार ने दावा किया कि 2006-2007 की तुलना में 2019-20 में शाकाहारी भोजन की थाली 29% और नॉनवेज भोजन की थाली 18% सस्ती हुई है। सर्वेक्षण में वित्त वर्ष 2020-21 के लिए देश की विकास दर 6-6.5% रहने की उम्मीद जताई गई है। सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने का वादा दोहराया है। आर्थिक सर्वेक्षण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उद्योग, निर्यात और कारोबार के अनुकूल माहौल से देश $5 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य को हासिल कर लेगा। दिल्ली चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। बीजेपी ने कहा है कि दिल्ली में बिजली, पानी पर सब्सिडी और बसों में महिलाओं के लिए फ्री सफर जारी रहेगा। संकल्प पत्र में गरीबों को 2 रुपए किलो आटा देने का वादा किया गया है। बीजेपी की सरकार बनी तो कॉलेज की गरीब छात्राओं को इलेक्ट्रिक स्कूटी और गरीब की बेटी को 21 साल में 2 लाख रुपए मिलेंगे। बीजेपी ने हर घर में शुद्ध पानी और 10 लाख बेरोजगारों को रोजगार देने का भरोसा दिया है। 200 नए स्कूल और 10 नए कॉलेज बनाने के अलावा सीलिंग रोकने के लिए कानून में जरूरी बदलाव का वादा भी किया गया है। गवर्नमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है और जो चल रहे हैं वो चलते रहेंगे। वो 2-3 महीना के लिए भी किए होंगे, उसको भी बीजेपी नहीं बंद करने वाली। बीजेपी ने कहा है कि वो दिल्ली को स्मार्ट सिटी बनाएगी। दिल्ली को इंटरनेशनल सिटी बनाने का, नंबर एक की अच्छी सिटी बनाने का काम अगर करने की ताकत अगर कोई नेतृत्व और पार्टी में है तो भारतीय जनता पार्टी में है। बीजेपी के संकल्प पत्र पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लोगों को चेताया है। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने ट्वीट किया, भाजपा के मैनिफेस्टो से साबित हो गया है कि अगर आपने उनको वोट दिया तो आपकी फ्री बिजली, फ्री पानी और फ्री बस यात्रा बंद हो जाएगी। सोचकर वोट देना। कह रहे हैं दिल्ली के अंदर आयुष्मान योजना लेके आएंगे। अभी आयुष्मान योजना क्या है भाई? उस आयुष्मान योजना को पढ़ा है किसी ने?